जी दोनों चाचा भतीजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं, गरीब आदमी को बहुत तंग हो रहा है। तो हम मरेंगे लेकिन आपको गद्दी पर से घसीट घसीट के मार मार के उतार के मरेंगे। हम लोग यूं ही नहीं मरेंगे। 2000 आने वाले 25 में आपकी सरकार नहीं रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री बनेंगे ना, बन के दिखावे ना, बिहार सही नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री बनेंगे। अब किसके बदौलत हम लोग, आप 25 रुपया मुक्त करें तो हम लोग का 500 का नुकसान कर दिए हैं, आप यही ना किए, महिलाओं को सुविधा दिए और जेंट्स को मार रहे हैं। पूरा पटना में है कि खाली यही स्टेशन पूरा बंद है, चक्का चक्का पूरा बंद, कल पूरा चक्का जाम रहेगा, कल पूरा चक्का जाम रहेगा, पूरा चक्का कल जाम है। अभी बालू बंद कर दो, बालू नीतीश कुमार जी ढोते हैं, उतारते हैं, चढ़ाते हैं, होती है हम लोग के पास, क्या समस्या, रोड में चलते हैं तो फोटो खींच लिया जाता है, पीछे से फाइन होता है, हम लोग जब घर पर पहुंचते हैं तो मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका 5000 का फाइन आ गया है, 5000 का फाइन आ गया। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो पुलिस प्रशासन जाने, सरकार देखिए। ऑटो सरकार बहुत सारी निकाली है, लमसम आप देख सकते हैं पूरे पटने में 50,000 से 70,000 ऑटो होगा। ऑटो है ठीक है, शहर है, चलाना तो हम लोग को रोड पे ही है, ऐसा नहीं है कि ऑटो ले लिए तो हम लोग घर में रखेंगे, रोड पे ही चलाएंगे, जनता सेवा करते हैं। लेकिन आप पूरे पटना जंक्शन पे खड़े होकर देख लीजिए, कहीं भी ऑटो का स्टैंड नहीं है। ये रोड देख रहे हैं, गांधी मैदान स्टेशन आने की रोड है, बट इस रोड में कहीं स्टेशन की आपको जगह दिख रही है? अच्छा। नहीं, तो ये जैसे इस प्रकार का हड़ताल काहे के लिए हो रहा है? हड़ताल का मेन वजह यही है कि हम लोग को स्टैंड चाहिए, स्टैंड चाहिए, जगह चाहिए। किससे मांग कर रहे हैं? ताकि सब सरकार से मांग, सरकार सुन रही है आपकी बात, सरकार अगर सुनती तो हम लोग इस तरह से रोड पर उग्र नहीं होते। ये पेट का सवाल, कब तक ऐसे करिएगा? जब तक हम लोग को इंसाफ ना मिलेगा करेंगे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आने वाले दिनों तक करते रहेंगे। कब तक करिएगा मांग सर? जब तक हम लोग तो मांग पूरा नहीं करेंगे। सरकार आपकी बात सुन रही है? नहीं सुन रही, तो उसको मनवा के रहेंगे। कैसे मनवाइएगा, वो किसी का नहीं, लाठी चार्ज करवा देंगे, करवाएगा करवाएगा फिर भी नहीं हटेंगे, जाम रखेंगे ही रखेंगे। अभी लाठी चार्ज करवा देगा, जब विपक्ष को मारते पीटते और मार देते इस सरकार को समय नहीं लगा, तो हम तो ऑटो संचालक हैं, पेट का मरा हुआ, पीट का लाठी बर्दाश्त करेंगे, पेट का लाठी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि एक हम नहीं है, हमारे पीछे हमारे 6 फैमिली है, हम 6 फैमिली भूखे मर रहे हैं। तो हम मरेंगे लेकिन आपको गद्दी पर से घसीट घसीट के मार मार के उतार के मरेंगे। हम लोग यूं ही नहीं मरेंगे। 2000 आने वाले 25 में आपकी सरकार नहीं रहेगी क्योंकि हम अकेले एक ऑटो चालक भूखे नहीं, उसके पीछे 5 है, किसी के 4 है, किसी के 10 है, किसी के 15 है। हम लोग का पीछे जो 5 परिवार है उसका गुस्सा जो हम लोग बनाए हैं कुर्सी पर बैठाने के लिए, तो उतना पावर रखते हैं पेट में कि उतना पावर है कि आपको जैसे बैठाने का क्षमता रखे कुर्सी पर, उसे उतारने का क्षमता भी है और प्लस ये भी है। सरकार पैदा लिया है कहाँ? आज तक कोई गरीबों का सरकार नहीं है, सब झूठा है, ढोंगी, खाली कहते हैं गरीबों का सरकार है, कौन गरीबों का सरकार है? लोग तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार सरकार बहुत काम कर रही है। कहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग आज काम करते तो आज रोड पर उतरते। अंधा महिला के सरकार में काम होता तो हम लोग रोड पर होते। हम लोग का रोड पे आने का नौबत था, अगर सेवा करने वाला जनता का सेवक है ना, नहीं होगा ना, ये नेता कभी गरीब का होगा? बोलिए बोलिए आराम से बोलिए। अंधा महिला का सरकार है, ये जो सरकार है अमीरों के सरकार है, गरीबों के सरकार है। हम लोग ऑटो रोड पर लगाते हैं तो सीधे आके 500 का चालान 2500 का चालान काटते हैं, और 4 व्हीलर रोड पर जाम लगा देता है, वो लोग के लिए कोई फायदा नहीं लिया है धरती पर कि उसको गाड़ी का चालान काटे। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? सरकार का ये ऑटो अभी जाम है ना, थोड़ा ही बस को दिखाइए कि इसमें कितना ओवरलोड है, लेकिन इसके लिए प्रशासन सरकार नहीं है। ऑटो में 4 से 5 बैठ गया, ये ओवरलोड है, बस का भी हाल देख लीजिए ना, तो चालान काट दिया जाता है। कितने का चालान काटता है एक बार में?
500 से लेके 25,000 तक। ओवरलोडिंग का कितने का चलान करता है? 2500 का मांगता है। मनमानी चलान, जितना मनमानी चलान, 5,000 का चलान कर दिए, 7,000 का चलान, एक दफा में 10 जगह दफा लगा देना, बात खत्म। कोई दफा का नहीं, आपको खुद पता नहीं। किसी भी राज ऑटो वाला कोई बात पता नहीं, राज है कहाँ इतना फाइन है, कहाँ स्टेशन पर भीड़ नहीं लगता है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह लगता है भीड़। आप उसका साधन नहीं कर रहे हैं, हटा रहे हैं पहले किसी स्टेशन से, यहाँ से सवारी उतर के जाएगा जीपीओ बैठने के लिए सिटी वाला आदमी। अच्छा आप लोग जो रिक्शा स्टैंड है वो कहाँ पे मांग कर रहे हैं? जहाँ था वही मांग रहे हैं। कहाँ था पहले? टाटा पार्क में था, जहाँ जहाँ है अभी वही व्यवस्था मांग रहे हैं। ठीक है, आपका मेट्रो का काम हो रहा है तो उसको अगल बगल कहीं पर शिफ्ट करिएगा ना, कि आप इसको उठा के आपको बोलिए कि चलिए जीपीओ, वहाँ से कौन सवारी मिलेगा आपको? स्टेशन से उतरने के बाद सीधा सवारी इधर उतरता है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रहा। आपकी आवाज सुन रही है सरकार? आपकी आवाज सरकार सुन रहा था? सुनता तो होवे, काहे हड़ताल होता है? जब सरकार सुन लेता है आवाज तो कोई हड़ताल ही नहीं होता। सुनेगा, एक दिन सुनना ही पड़ेगा। ऐसे अभी जो चुनाव आ रहा है तो जो 25 में जब चुनाव प्रधानमंत्री बनेंगे ना, बन के दिखावे ना, बिहार सही नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री बनेंगे आप किसके बदौलत? हम लोग बनवाते हैं, इस बार सपोर्ट नहीं करिए? नहीं बनवाएंगे, बहुत बड़का मंत्री बनवाएंगे। जैसे नीतीश कुमार रक्षा बंधन के महिलाओं का छूट दिए हैं कि भाड़ा न लिया जाए, तो भाड़ा न लिए तो उसी को मौका का फायदा आप उठा लिए ना। आप 25 रुपया मुक्त करें तो हम लोग का 500 का नुकसान कर दिए, आप यही ना किए? महिलाओं को सुविधा दिए और जेंट्स को मार रहे हैं, ये पेट पर लाते हम लोग के मारे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बढ़िया बात है ना कि महिलाओं को सुविधा मिल रहा है। कहाँ सुविधा मिल रहा है? 25 रुपया में हम लोग के दिन खाएंगे, के दिन हम बचाएंगे? रोज हम 500 रुपया उसमें खर्चा करते हैं और आप 25 रुपया खर्चा करते हैं, कितना हमको आप बचाएं? हम लोग को तो घर और बिगाड़ रहे हैं और उजाड़ रहे हैं, आप उजाड़ रहे हैं, उजाड़ने वाला काम कर रहे हैं। एक समय आएगा कि हम लोग का महिला, हम लोग का जेंट्स बन जाएगा, हम लोग महिला बन जाएंगे, ये समय आ रहा है और ये समय ला रहे हैं हम लोग का सरकार। अगर जो सरकार चाहते हैं तो ये सब चीज को रोकना बंद। सरकार तो मटन खा रहे हैं लालू यादव और राहुल गांधी, तो वो लोग के लिए तो मटन है ना, हम लोग गरीब के लिए तो नून पर आ पाते, भात पर आ पाते, रोटी पर आ पाते। हम लोग 4 दिन से जो है हम लोग कमाए नहीं है, कहाँ से खाएंगे? और एक परिवार हमें, अच्छा ये बताइए कब तक ये हड़ताल रहेगा? ये जब तक हम लोग का नहीं समाधान निकलेगा तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे, और आज 10 है कल 100 होंगे और करीब हजारों संख्या में बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि जब ये ऑटो चालक जब ये उतर जाएगा अपना पर ना, तो कितना के लिए डूबा बनेगा, ये कोई ठीक नहीं है। जैसे आप सरकार बनने में कितना तपस्या। अच्छा, आम पब्लिक को जो तकलीफ हो रहा है, मान चलिए किसी को इसमें इमरजेंसी हो जाए, उसके लिए क्या कहिए? उसके लिए सेवा है, उसके लिए सेवा है, उसके लिए गाड़ी की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है। जैसे कल भी एक कैंसर पीड़ित मरीज उतरे, उनके लिए हम लोग के ऑटो संघ के माध्यम से उन्हें कैंसर हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाया गया। ना ही हम लोग स्कूल गाड़ी वाले हड़ताल पे हैं और ना ही हम लोग पेशेंट गाड़ी, सिर्फ रिक्शा ही हड़ताल पे है कि बस उस भी नहीं, हम लोग के साथ ऑटो रिक्शा पूरा पटना में है कि खाली यही स्टेशन पूरा बंद है, चक्का चक्का पूरा बंद, कल पूरा चक्का जाम रहेगा, कल पूरा चक्का जाम रहेगा, पूरा चक्का कर जाम रहेगा, जाम है अभी केवल उस रूट से आने वाली गाड़ी के लिए आज 5 दिन से हड़ताल। तो कल पूरा पटना जाम करिएगा तो बहुत लाठी चार्ज करेगा पुलिस वाला। वो जो लाठी खाने के लिए तो रोड पर आए हैं, ऐसे तो भूखल मर रहे हैं, ऐसे तो भूखल मर ही रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बताओ का खाना नहीं मिल रहा, कहाँ खाना मिल रहा, सरकार दे रही है, कहाँ खाना दे रही है, नहीं दे रही, कहाँ दे रहा है, चावल गेहूँ किसको दे रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। नगर निगम जो बस है, हम लोग के तो ऑटो चलाते थे तो सरकार कहे प्रदूषण बढ़ता है, और नगर निगम जो बस जो है वो तो डीजल ही वाला है तो उसको लिए प्रदूषण नहीं बन रहा है। प्लस कि हम लोग 5 आदमी बैठाते हैं तो उस पर फाइन चला जाता है 2500 के फाइन, और बस में कि महिलाओं के लेके लटक कर जाती है उसमें क्यों नहीं फाइन करते हैं, ओवरलोड क्यों करते हैं आप लोग करवाते हैं? तो आप लोग का सब राजनीतिक है। आप ये कमिश्नरी ऑफिस में जाकर पता कीजिए कि पटना में जो भी टेम्पू अब निकल रही है बिना परमिट चलान का उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और फिर उसको परमिट नहीं दिया जा रहा है। तो जब परमिट नहीं दिया जा रहा है फिर चलान क्यों काटा जा रहा है? पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, 2014 लास्ट मंथ 2014 से पटना का परमिट बंद है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी निकला, बीच में 100 गाड़ी का परमिट मिला, और 2014 से जब परमिट बंद है, ऑटो मात्र 3 सीट में पास है, उसका परमिट बंद हो गया, लेकिन
ये देखिए नगर निगम का गाड़ी चल रहा है यहाँ पे, गाड़ी अभी भी है आपके। ऑटो से प्रदूषण हो रहा है, ऑटो से प्रदूषण हो रहा है, बस से प्रदूषण नहीं हो रहा है, ऑटो से सिर्फ प्रदूषण हो रहा है पूरे पर। इसको भी बंद कराना चाहिए। क्यों नहीं आप लोग करवा रहे सरकार? सरकार हड़ताल आप लोग, नियम सबके लिए होना चाहिए। हड़ताल आप लोग, नियम सबके लिए ना होना चाहिए? हम लोगों ने किया है कि हमारा स्टैंड को हमारे पास रहने दो भैया, जितना है मेट्रो को चाहिए ले लो और हम लोग को रहने दो, कमाने खाने दो। लेकिन यहाँ तो हो रहा है पर घर बसा नहीं, लूट मार का बाजार लगा। हाँ एकदम पूरा। किससे आप कह रहे हैं? तेजस्वी से कह रहे हैं कि नीतीश से? दोनों चाचा भतीजा से कह रहे हैं। दोनों एक साथ हो गए हैं जी? दोनों चाचा भतीजा की सरकार नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? नहीं, गरीब आदमी को बहुत तंग हो रहा है। कहता है खाली कि गरीब के नेता, गरीब के नेता नहीं है कोई। आप ये देखो, कोई चाहे बीजेपी हो, RJD हो, चाहे JDU हो, कोई गरीब का सुनने वाला नहीं है। खाली बोलता है कि गरीब, गरीब के नेता है। कहाँ गरीब? इतना देख लीजिए, फुटपाथ दुकानदार सब मर रहा है, टेम्पू वाला मर रहे हैं। कहाँ है सरकार? खाली बर्गर लाया जा रहा है, हाथ दिया है पेपर में कि GPO में स्टैंड देंगे। बन कहाँ है भैया? आपको लगता है स्टैंड मिल जाएगा? हड़ताल करने नहीं लगता है कि मिलेगा? फिर काहे के लिए हड़ताल कर? हम करेंगे, चक्का चक्का जाम होगा कल। अपनी मांग रखने के लिए पूरे पटना जाम रहेगा। ठीक से कल आज ऐलान कर रहे हैं? जी ऐलान कर रहे हैं, पूरे पटना जाम रहेगा जब तक कि हम लोग को स्टैंड नहीं मिल जाता है। तब तक पटना जाम रहेगा। नीतीश कुमार जी इतना दिन से मुख्यमंत्री है, नौकरी तो देते नहीं है, खाली घोषणा कर देते हैं। आज तक बिहार में एगो चीनी मिल चालू किया है क्या? हैं, चीनी मिल चालू करते तो आज लाखों लाख आदमी खटता। आज आप खुद देखिए, आप अपने देखते नहीं है। बालू बंद कर दो, बालू नीतीश कुमार जी ढोते हैं, उतारते हैं, चढ़ाते हैं।